मतदान के दिन और मतदान से पहले आप सब लोगों ने निष्पक्षता के साथ में जो घटनाएं घट रही थी, जो चुनाव हो रहे थे, उन सब को आपने पूरे प्रदेश और देशवासियों को दिखाया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। राजस्थान की जागरूक जनता को, आदरणीय मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक आज तक के इतिहास में पिछले कई सालों से जो वोटिंग प्रतिशत चल रही थी उसमें आपने अत्यधिक मतदान करके इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति दी है और अपना फैसला सुनाया है। इसके लिए भी मैं राजस्थान के जागरूक मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस प्रदेश में तमाम, चाहे निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए हों, चाहे आरओ के रूप में, या कोई भी जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग काम कर रहे थे, जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो मतदान दल के रूप में कार्य कर रहे थे, उन सब लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में शांतिपूर्वक मतदान कराने में और अधिकाधिक मतदान कराने में आपने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। इसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पत्रकार भाइयों, राजस्थान में जो चुनाव हुआ, वो अब की बार का चुनाव, राजस्थान की गुड गवर्नेंस 5 साल की, कोरोना काल में जो बेहतर कार्य हुए, लोगों की जानें बची, कोई भूखा नहीं सोया, और जो बजट आया और जो योजनाएं, फ्लेक्सिबल योजनाएं जो लागू की गई, वो राजस्थान में नहीं बल्कि अपितु पूरे देश में चर्चा का विषय थी। वो राजस्थान का मॉडल गुड गवर्नेंस और जो योजनाएं थी उसका पूरे देश में चर्चा ही नहीं बल्कि उसको अंगीकार करने के लिए भी होड़ मची हुई है। ऐसे में मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी की जो हमारी 4000 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसमें जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने लिए, उनको भी लोगों ने स्वीकार किया। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात थी, उसको भी लोगों ने बहुत दिल से लेकर के और अत्यधिक मतदान में उनको प्रेरित किया उस बात ने भी। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की पहले 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप के द्वारा और फिर 7 गारंटियां जिस प्रकार से आगे वादा किया गया, जनता ने उस पर विश्वास किया है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट, आपसी कलह, जो 7-8-9 मुख्यमंत्री स्वयंभू मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनसे और राजस्थान की जनता के कोई भी मुद्दा उन्होंने 5 साल में प्रतिपक्ष के रूप में नहीं उठाया, उससे जनता नाराज थी। और कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से वो प्रभावित थी। इसलिए जो मतदान हुआ वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। और राजस्थान में निश्चित रूप से 3 तारीख को जब मतदान का काउंटिंग होगी, तो उस काउंटिंग में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो जनता ने मत दिया है, वो जनता ने, जो राजस्थान की सरकार ने अच्छा काम किया और संगठन और सत्ता ने समन्वय के साथ में जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में रहे हैं और योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का जो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, उनके बलबूते पे, उनके विश्वास पे, उनकी ऊर्जा से मैं ये पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बन रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जो हमारी सरकार का मूल, जो सबसे बड़ा जो काम है वो है सोशल सिक्योरिटी का, और सोशल सिक्योरिटी के बिंदु पे ओपीएस एक प्रमुख बात है
जो कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है, और दूसरे भी जितने भी, चाहे आप पेंशन की स्कीम को ले लीजिए, चाहे वो 25 लाख के इलाज की बात ले लीजिए, अब 50 लाख की हमने वादा किया है, गारंटी दी है, और जो पेंशन है वो पहले 1000 की थी, अब उसको 2000 की गारंटी दी है, जो किसानों के लिए बिजली की जो माफ़ है, बच्चों को ले पढ़ाने के लिए लैपटॉप फ्री में देने की बात है, गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो 10,000 रुपये प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के खाते में कांग्रेस की सरकार बनने पे हम उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको महंगाई से राहत देने के लिए, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसके सम्मान के लिए जो दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा और लोगों ने उसको स्वीकार किया। आप देख सकते हैं कि माता बहनों ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है, युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके, कांग्रेस की सरकार ने जो नौकरियां दी हैं और जो आगे 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की जो वादा किया है उसको भी घोषणा पत्र में, उसको भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी नौकरियों में हमारे से पीछे थी और अभी भी उन्होंने 2.5 लाख की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें मिला करके जो मतदान हुआ है, उसके बाद में जो रुझान पब्लिक से आ रहे हैं, जो मीडिया से आ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे आ रहे हैं, उनसे सबसे एक ही बात निकल के आ रही है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी पुनः राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। लेकिन सब धार्मिक ध्रुवीकरण आपको क्या लगता है कि क्या उसने असर डाला? दूसरा, क्या पेपर लीक से आपके जो नए वोटर हैं, युवा मतदाताओं पे, उन पे असर पड़ा, क्या वो प्रभावित हुए? देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण उनका प्रमुख एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबको साथ लेकर के काम किए, मंदिरों में काम किए और सब धर्म के लोगों को, संतों को, जो मौलवियों को, सबको बुला करके कोरोना काल में सबकी राय लेकर के जो काम किया, उससे राजस्थान में इनका ये जो एजेंडा है धार्मिक ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम करने का, वो नहीं चल पाया और राजस्थान की जनता ने कहा इससे पेट नहीं भरता है। जो हमें संबल मिलता है वो 25 लाख रुपए फ्री इलाज से मिलता है, हमें जो संबल मिलता है वो पेंशन से मिलता है, ओपीएस से मिलता है, हमें संबल मिलता है वो फूड पैकेट, जो अन्नपूर्णा जो हमारी स्कीम है उससे मिलता है, हमें संबल मिलता है वो बिजली के बिल माफ़ करने से मिलता है, न कि हिंदू मुस्लिम करने से, इसलिए मेरा ऐसा मानना। दूसरा आपका सवाल था कि पेपर लीक का मुद्दा, पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे बनाने की कोशिश की गई जिसको नकार दिया गया। और मेरे तो आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में कुछ मेहमान दिल्ली से भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, लेकिन उससे तो और ज़्यादा उत्साह हमारे लोगों में आया और मार्जिन मेरा जीत का बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वो हर मुद्दे के ऊपर, हर षड्यंत्र में वो फैल हुए हैं और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और मत दे करके सफल बनाया। आपका इस दौरान एक डांस का वीडियो काफी वायरल हुआ था उस ईडी की रेड के बाद में, वो क्या था? और देखिए, वो मेरा नामांकन की रैली थी और नामांकन की रैली में जो उत्साह, जो जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था, उत्साह और जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कभी डांस वान जानता नहीं हूं, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा एंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार MLA बनेगा, तो उनकी खुशी में खुशी मिलाना मेरा फर्ज था, आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसके तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में शरीक हो, उसको ढांढस बनाओ, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके इंजॉय करो, यही तो सही बात है। जब हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है तो भैया ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी के अब दिन लद गए। अब भारतीय जनता पार्टी से न तो कोई डरने वाला है, न उससे कोई खींच करके जाने वाला है।
वो अपना कुप्रयास करते रहें, जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है उसको पूरे देश में और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। नहीं नहीं सर, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश कर्नाटक सरकार सबने हार देखा, आपके बहुमत की सरकार थी फिर भी हाथ से चली गई, इस बार क्या वो जो कहते हैं ना सर दूध का जला छाछ को भी फूंक। नहीं 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 ऐसा अब चलने वाला नहीं है। राजस्थान ने तो पहले भी नकारा है इनके इन षड्यंत्र को और आज षड्यंत्र रचने ही नहीं देंगे भाई साहब। पब्लिक ने ठोक के मतदान किया कांग्रेस के पक्ष में। ये जो कह रहे हैं इस बात में कि बात ये नहीं है कि अगर ये जितने जो अगर निर्दलीय या दूसरे दुमार लोग जीत के आ रहे हैं या बागी है ज्यादातर, एक तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी विचारधारा से मिलते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे? वो उनके साथ क्यों खड़े होंगे, उनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर, हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क, उनकी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने वाले हैं। इसलिए जो भी चुनाव जीत रहे हैं वो हमारी गवर्नेंस को उन्होंने 5 साल देखा है इसलिए वो हमारे साथ में होंगे। जो पिछला उदाहरण है आपके सामने है, 13 इंडिपेंडेंट थे, 6 बसपा के थे, 2 बीटीपी के थे, 2 कम्युनिस्ट थे, वो सारे के सारे हमको समर्थन दे रहे थे आप समझिए। तो इसका मतलब उनको हमारे नेतृत्व पे, हमारी पार्टी पे, हमारी पार्टी की नीति पे, हमारे काम के ऊपर पूरा उनको विश्वास है और मैं समझता हूँ कि आगे आगे ही ऐसा ही ट्रेंड चलेगा। वो तो उनको फैसला लेना है। हम जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते, हम दबाने की, कुचलने की, डराने की, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है और उसके बाद में जो लोग साथ जीतेंगे, मान लीजिए अदर्स जो भी बीजेपी या कांग्रेस के अलावा, वो विकास को और गुड गवर्नेंस को वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा ये भी ये बता रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स को रिजर्व में रखवाया है बीजेपी ने 18 से 20, क्या ऐसी इस तरीके की? हेलीकॉप्टर तो या तो एआईसीसी करती है या पीसीसी करती है, दोनों ने तो किया नहीं। बीजेपी कुछ भी कर ले, हेलीकॉप्टरों में तो पहले भी किए थे ना, जब सरकार गिरा रहे थे तब हेलीकॉप्टर खाली गए थे, इनके खुद के पार्टी के लोग भी उसमें नहीं बैठे थे तो अब दूसरे लोग क्यों बैठेंगे आप बताओ। वो कुछ भी करें क्या फर्क पड़ेगा, जोड़ तोड़ पहले भी की थी, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे, आज भी उनका षड्यंत्र हारेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को समर्थन और मत दे करके पुनः सरकार बनाने के लिए पूरा आशीर्वाद दिया, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको अभी क्या निर्दलीय हो या दूसरे दोनों लोग आप बता रहे हैं समान विचारधारा के लोग, उन लोगों ने क्या अभी आपको विश्वास जताया कि चुनाव जीत के आएंगे आपके साथ खड़े होंगे? अभी तो उनको खुद को ही पता नहीं भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो उन लोगों ने 5 साल देखा है कि किस प्रकार हमने कांग्रेस से नहीं जीत करके भी जब कांग्रेस का समर्थन दिया तो हमारे सबके विकास के काम हुए हैं, व्यक्तिगत काम भी हुए हैं और गुड गवर्नेंस चली है और अच्छी योजनाएं बनी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग रहेंगे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी संख्या राजस्थान की जनता ने मत दे करके दी, वो लोग हमसे जुड़ेंगे उनसे नहीं जुड़ेंगे। वहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। अनुभव है काफी चुनाव का, तो अभी जो चुनाव में जो वोटिंग ज्यादा हुई है उसमें नजर आ रहा है कि या तो जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या फाइट वाली सीटें हैं आपकी खुद की सीट होती है, तो वो पोलिंग ज्यादा हुई है वो आप क्या इशारा कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए जो पोलिंग ज्यादा हुई है उसमें जो पहली बात तो है कि महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है, तो महिलाओं ने जो 25 लाख का इलाज, जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन, गृह लक्ष्मी का हमारी गारंटी का वादा, 10,000 रुपये का मोबाइल फ्री बांटना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक महिला को
और 500 रुपए में सिलेंडर, अब आगे 400 रुपए में, तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो उसकी रसोई को ठीक करने की बात करती है, उसके सम्मान को बढ़ाने की बात करती है और उसके लिए आगे आने वाला अच्छा समय निकले इसके लिए वो उसको आश्वस्त करती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा एक भी कारण नहीं था कि उसके पक्ष में किसी तरीके की कोई वोटिंग ज़्यादा हो, इसलिए अधिक जो वोटिंग हुई है वो कांग्रेस के पक्ष में जारी। डॉक्टर जी, आपने पहले भविष्यवाणी की थी कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तारानगर तो चले गए, लेकिन अब आपको नतीजा वहां पर क्या होता दिख रहा है? वो तो जनता को सबको ही दिख रहा है भाई, सबको ही दिख रहा है। अब तो मत पेटी के अंदर आकर के सील बंद हो गए, आप 3 तारीख तक का इंतजार करो। अजय जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है, इधर कल मुख्यमंत्री ने भी तेलंगाना में कहा कि सीएम की कुर्सी उनको नहीं छोड़ दी, माना जाए अशोक गहलोत फिर से सीएम बनते हैं? देखिए, ये पार्टी आलाकमान ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि विधायक जीतने के बाद में पार्टी आलाकमान राय मशविरा करके जो पार्टी आलाकमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। मैं कह रहा हूँ कोई रेस में नहीं है, रेस में कोई नहीं होता है, रेस में तो ये बीजेपी में 8-9 के बन जाएंगे क्या, बहुमत ही नहीं आ रहा इनका, तो रेस से कुछ नहीं। जब पार्टी ने एक लाइन ले रखी है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो जो फैसला करेगा, वो जिस किसी को भी कहेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। थैंक यू, नमस्कार।